ऑब्वियसली बिलोंग्स टू द अपीयरेंस दैट यू हैव. आप जिस किस्म के अटायर में होते हैं, जैसे कपड़े आप पहनते हैं, जैसा आप दिखते हैं, जैसा आप कंडक्ट है, आपका बात करते हैं, ये सब कुछ आपके इमेज को लेकर चलता है. लेकिन टुडे मेनली हमने आपकी वार्डरोब को डिस्कस करना है, कैसे कपड़े पहने. सवाल करूं आपसे इससे पहले कि आगे. ओके, सवाल करती हैं आयशा, ना करें आप मुश्किल में. जवाब दिया करें, ये बताएं सुबह जब आप आते हैं ऑफिस, आपने कौन से कपड़े पहनने हैं शो के लिए, कितना टाइम लगाते हैं उसके अंदर? डिपेंड करता है, जिस दिन मूड अच्छा हो ज्यादा टाइम लगाता हूँ, और जिस दिन मूड अच्छा ना उस दिन कुछ भी मिले तो पहन ले. तो हमारा जो टॉपिक है ना वो, और वैसे हमारा वैसे पता है हमारा बिजनेस जो न्यूज का बिजनेस है ना, न्यूज का बिजनेस इस पे डिपेंड करता है कि आज कितनी बड़ी खबर है. अगर कोई बहुत बड़ी स्टोरी है, आपको लगता है आज ज्यादा आई बॉल्स आपको मिल रहे हैं, तो आप उस दिन कोशिश करते हैं अच्छे ज्यादा अच्छे कपड़े पहने, अदरवाइज आप कहते हैं रूटीन में पहन लो. जबरदस्त. लेकिन ये बताया मैंने आपको, कुछ लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि आपको अपने दिन के जो फैसले अल्लाह ताला ने कुछ दिए हैं ना पूरे दिन के अंदर, वो आपको ना अपने वार्डरोब के ऊपर जाया नहीं करने चाहिए. उसकी मिसाल हमारे पास है बड़े बड़े बिलियनियर्स और बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग जो हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स हो गए, हमेशा एक ही ब्लैक कलर की शर्ट में हमें नजर आते थे, टी शर्ट टाइप हुई आईनेक होती थी. देन मार्क ज़करबर्ग हो गए, वो हमें ग्रे कलर की, मुझे पाकिस्तानी करारो लहसन याद आ गए, वो भी हमेशा काले कपड़ों में नजर आते हैं. अच्छा, अच्छी बात है ना, उन्होंने अपना वो एक स्टेपल बना लिया. तो इसके ऊपर हमने बात करनी है कि क्या जो कामयाब लोग होते हैं वो अपनी वार्डरोब के ऊपर अपने डिसीजंस को वेस्ट नहीं करना चाहते, या वो क्या सोच है कि वो ये सोचते हैं कि उनको एक ही तरह का वार्डरोब है. इसके ऊपर हमने इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे. सो हमारे साथ इस वक्त हामिद साहब मौजूद हैं, हामिद सईद साहब जो कि इमेज कंसल्टेंट हैं, और उनका ये फोकस है और बड़ा अहम नुक्ता है जो आयशा ने बताया, हम इस पे जरा बात करेंगे. हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर सर थैंक यू वेरी मच, प्लेजर हैविंग यू जी. बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया. थोड़ा सा हमें इस टॉपिक को हमारे लिए थोड़ा सा और खोलिए, हमें बताइए जो बात हम कर रहे हैं, क्या जितना शॉर्टर चॉइस ऑफ वार्डरोब हो इतना आप बेहतर एलिगेंटली ड्रेसअप हो सकते हैं, ये क्या लॉजिक है या नहीं, हम गलत सोच रहे हैं? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके क्लोज़ेट इतनी भरी पड़ी है और आपको यही समझ नहीं है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना. यूजुअली वीमेन तो कहती है ना कि आई हैव टन्स ऑफ क्लोथ बट नथिंग टू वेयर, और मैन का भी इसी तरह यही सिलसिला है कि बेशुमार कपड़े हैं और उनमें से सिर्फ चंद कपड़े हम पहनते हैं और बाकी कपड़े हम नहीं पहनते. तो इसकी वजह है कि ये है कि आपका जो वार्डरोब है वो एक सॉर्टेड आउट होना चाहिए. आपका वार्डरोब जो है उसमें आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके मुताबिक होना चाहिए, जो आपकी फिट है, जो आपकी बॉडी शेप है उसके मुताबिक होना चाहिए. फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस जो आपकी पोजीशन है, जो आपका प्रोफेशन है, उसके मुताबिक जो है आपका वार्डरोब होना चाहिए. तो आई ऑलवेज से दिस के लेस इज़ मोर, एंड अगर आप इसको इस तरह देखें कि बाय लेस बाय राइट एंड बाय द राइट क्लोथ एंड क्वालिटी क्लोथ, आई थिंक दैट्स द फॉर्मूला देयर. सही. अच्छा हामिद साहब, ये बताइए ना, ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं हमेशा वो एक ही तरह के वार्डरोब में क्यों नजर आते हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, मार्क ज़करबर्ग हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए, इकरारो लहसन हो गए. इकरारो लहसन भी वैसे काम है, स्टीव जॉब्स से भी लाते हैं इकरारो लहसन. तो हमेशा हमें वो एक ही तरह के ड्रेस में नजर आते हैं, एक ही तरह के बड़े सिंपल ड्रेसेस होते हैं, मोस्टली वो ब्रांड्स के होते भी नहीं है. उसके पीछे आपको क्या उनका माइंड सेट नजर आता है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, क्यों वो अपनी वार्डरोब के ऊपर क्या वाकई में खर्च नहीं करना चाहते? जी जी जी, मार्क ज़करबर्ग की स्टोरी ले लेते हैं. मार्क ज़करबर्ग जो है ना वो हमेशा वही एक किस्म की वही शर्ट है, टी शर्ट है और जीन्स है और हुडी है, एंड दैट्स व्हाट ही वेयर्स. तो बहुत लोग गेस करते हैं कि व्हाई दे लुक लाइक दैट और व्हाई दे वेयरिंग द सेम ड्रेस. तो जब हॉर्सेज माउथ से पूछा गया, जब उससे पूछा गया मार्क ज़करबर्ग से कि व्हाई यू वेयर द सेम क्लोथ मोस्टली यू नो टी शर्ट एंड जीन्स एंड ऑल दैट टाइम, तो उसने उसका जवाब ये दिया कि आई हैव नो टाइम टू थिंक इन द मॉर्निंग कि मैंने क्या पहनना है, मैंने कौन सी शर्ट पहनूं, कौन सी टाई लगाऊं, कौन सा सूट पहनूं. तो आई एम जस्ट एक्साइटेड टू गेट टू वर्क, दैट्स व्हाट हिज आंसर इज. नाउ डज इट मेक सेंस? आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. लेकिन बात यह है कि क्या मार्क ज़करबर्ग टी शर्ट और जीन पे बिलीव करता है? आई डोंट थिंक सो. ही बिलीव्स इन सिचुएशनल ड्रेसिंग, और उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल यह है कि वैन देर वॉज ए डेटा बेस ब्रीच इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो इतना बड़ा डेटा इन्होंने सेल कर दिया मार्केटिंग कंपनी को, एंड ही वॉज ब्रॉट टू द कारपेट. और हाईएस्ट जो कोर्ट है यूनाइटेड स्टेट में वो सेनेट की हियरिंग और कांग्रेस की हियरिंग है. ही वॉज ब्रॉट इन फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. नॉट ओनली सूट मैम आयशा, ही वॉज वेयरिंग इम्पेकेबल सूट. इट वॉज डिजाइन फॉर हेम. And you know, this guy who had no time to think in the morning, he kept, exactly. And now Austin, you know, he had all the time in the world to think about what he has. Now, let me share with you why he looked like that and why he chose to wear a suit and all that. Had he worn t-shirt and jean on that day, you know, the senator and the congressman jo wahan pe baithe hue the suit and booted, unhone kehna tha ki this guy has no respect for us. So
बहुत सारे ऐसे खैर जिनको लोग कामयाब समझते हैं, कामयाब बिजनेसमैन है, मेरा जो तजर्बा रहा है ऑन मीडिया, आई होस्टेड सो मेनी पीपल, बहुत से लोगों का ड्रेसिंग सेंस कोई बहुत अच्छा नहीं होता, पैसे बड़े होते हैं उनके पास, आई मीन आप नजर लगा सकते हैं, आई वोंट मेंशन नेम, आई वोंट नेम एनीवन, तो ये डिपेंड करता है आपकी एस्थेटिक्स के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है आमिर साहब। लेकिन एक शॉपिंग साइकोलॉजी भी तो है ना, आई मीन इफ आई एम गोइंग टू बाय समथिंग, मेरे पास बजट भी है, मुनासिब है, बहुत ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, तो वो शॉपिंग साइकोलॉजी क्या हो सकती है इफ आई हैव टू ड्रेस अप लाइक दैट? और पर्टिकुलरली मेल्स का मैं इसलिए पूछूंगा क्योंकि हमारे पास जो चॉइस ऑफ कलर्स है वो बड़ी लिमिटेड है, स्क्रीन के ऊपर भी और ऑफ स्क्रीन भी, हम बहुत ज्यादा कलर्स के ऊपर नहीं जा सकते, अजीब भी लगना शुरू हो जाते हैं। कैप्सूल वार्डरोब कहते हैं इसको, आई थिंक कि कौन कौन सी चीजें जो हैं हमारे पास हो जिससे हम ज्यादा अपने वार्डरोब जो है ना वो बना सकते हैं चंद कम चीजों में। जी जी बेसिकली यही मैं कह रहा हूँ कि यू नो हैव लेस, चार कलर्स हैं जो बड़े फंडामेंटल कलर्स हैं, आप इसकी सूटिंग में ले लें, टू पीस सूट में ले लें, शलवार कमीज में ले लें, या किसी भी गारमेंट में ले लें। एक है ब्लैक, ब्लैक इज ए पावर कलर, यू शुड हैव वन, ब्लैक टू पीस सूट हो सकता है, ब्लैक शलवार कमीज हो सकती है, ब्लैक शर्ट वुड ऑल्सो डू इट। ये स्टीव जॉब और जो मार्क ज़करबर्ग भी है, दे यूज अ लॉट ऑफ ब्लैक, ब्लैक मीन्स पावर। दूसरा कलर जो है वो है चारकोल ग्रे, चारकोल ग्रे इज़ ए ग्रेट प्रोफेशनल कलर, और डार्क नेवी, डार्क नेवी मीन्स पावर प्लस अप्रोचेबिलिटी, एंड देन इज मीडियम ग्रे। ये चार कलर्स हैं जो बेसिकली एसेंशियल कलर्स हैं फॉर मैन एंड वुमन दोनों के लिए, जो पावर एरिना में हैं, जो पावर डायनामिक्स में हैं, तो दीज आर द फोर कलर्स। और शर्ट के लिए वाइट कलर, वाइट इज द बेस्ट, वाइट मीन्स जी मैं वही वाइट का पूछ रहा था, आप प्लीज बताइए। वाइट ही के बताने लगा था कि वाइट जो है, वाइट मीन्स ट्रस्ट मी, वाइट मीन्स क्रेडिबिलिटी, वाइट मीन्स आई एम सोफिस्टिकेटेड, वाइट मीन्स आई एम रिफाइंड, पॉलिश्ड, डिसेंट, सोबर, यू नो यू नेम इट। एंड हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मोस्ट फेवरेट कलर वाइट था, सो हाउ कुड वी गो रॉन्ग। आप देखिए G7 के जितने प्रेसिडेंट्स हैं, जो G7 की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें आप देखिए इनवेरिएबली यू विल फील वाइट शर्ट। अब ऐसे तो नहीं है ना कि बाइडन फोन करता है, यू नो, सॉरी टू कट यू हियर, हमारे साथ एक लाइव कॉलर हैं, हमारे साथ एक लाइव कॉलर हैं और बड़े रेगुलर कॉलर हैं, याह्या ने हमें ज्वाइन किया है। जी याह्या कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू, एंड मुझे बड़ी खुशी होती है आप जैसे नौजवानों को खड़े हुए, और यू आर डूइंग सो गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड हामिद सईद साहब को मेरा बहुत सलाम हो। देखें लिबास जो है ना इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है, और मेरे हिसाब से इंसान अपने यानी अपने अपनी एज के हिसाब से, अपनी गैदरिंग के हिसाब से लिबास पहनना चाहिए। लेकिन हामिद साहब से मेरा एक सवाल ये, बहुत से लोग जो है ना बहुत अच्छे क्वालिफाइड भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन उनके एस्थेटिक सेंस नहीं होता कपड़े पहनने का, ठीक है? वो कपड़े इस तरह पहनते हैं कि सारी पर्सनैलिटी भी डैमेज हो जाती है। एक तो ये सवाल हो गया, दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो लिबास हम जैसे हम यानी ब्रांड कॉन्शियस, हम ब्रांड के गुलाम बन जाते हैं, तो क्या ये ब्रांड के बगैर गुलाम बने हुए कि आप अपने लिबास को एक मॉडरेट किस्म का अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपकी शख्सियत उसके अंदर ज्यादा उजागर हो? ड्रेस आपका जरूर अच्छा हो, लेकिन क्या आपकी शख्सियत स्ट्रांग होनी चाहिए या आपका लिबास बहुत अच्छा होना चाहिए? ये मेरा सवाल। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू जी। प्लीज दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। देखिए जी, दोनों सवालों का जवाब, एक पहली बात तो आपने कहा कि यू नो लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, दे हैव रिसोर्सेज, बट दे स्टिल डोंट लुक दैट ग्रेट। एक्चुअली बात यह है कि ड्रेसिंग सेंस की जो पाकिस्तान में कोई ग्रूमिंग स्कूल नहीं है, पाकिस्तान में कोई ये ड्रेसिंग इज ए होल साइंस, साइंस को एक्सप्लेन नहीं किया गया। सो व्हाट पीपल डिसाइड इज बेस्ड ऑन समबडी सेज कि ये बड़ा अच्छा लगेगा आपके ऊपर, या सेल्समैन है जो ब्रांड पे बैठा हुआ है, यू नो इज नॉट दैट एजुकेटेड, ना उसके पास कोई ओरिएंटेशन है, ना वो स्टाइलिस्ट है, ना उसके पास इंफॉर्मेशन है, सो दे गो बाय जस्ट देम एंड वो यू नो दैट्स हाउ दे पुट देमसेल्फ्स टुगेदर। लेकिन अगर साइंस को समझा जाए कि मेरी स्किन टोन क्या है, मेरी आई कलर क्या है, मेरा हेयर कलर क्या है, कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, कौन से कलर्स जो है वो क्या कहते हैं, हामिद साहब जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो स्टाइलिस्ट भी हायर कर सकते हैं, क्या ख्याल है? लेकिन स्टाइलिस्ट भी तो पाकिस्तान में देखिए उनका फोकस क्या है, उनका फैशन पे फोकस है ना, उनका उसके ऊपर फोकस। अच्छा, ये जो आपने व्हाइट का ट्रस्ट मी फैक्टर बताया, आपने अपनी शख्सियत, व्हाइट व्हाइट मींस ट्रस्ट मी, हमें तो फिर सिर्फ एंकर्स को तो सिर्फ व्हाइट पहनना चाहिए, वी ऑलवेज से पीपल प्लीज ट्रस्ट अस द खबर द न्यूज़ दैट वी आर डिलीवरिंग। आई वुड से व्हाई व्हाई टू वेयर अनदर कलर, Why to wear another color when white is the best? आप देखिए, आप वाल्टर क्रंकाइट जो थे वो बड़े मशहूर उसके थे एंकर थे अपना उस पर, आई बिलीव इट वॉज CBS. सो ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टेड मैन इन द यूनाइटेड स्टेट जब उन्होंने सर्वे किया. तो वाइट सर, वाइट इज जैसे मैंने कहा कि G7 के सारे प्रेसिडेंट्स हैं वो क्यों वाइट पहनते हैं? आई मीन इट्स नॉट दैट दे कैन बाय अनदर कलर और वहाँ कलर मौजूद नहीं है,
तो जब आपको पता चल जाए कि ये बेस्ट वाइट है, तो बेस्ट मेरा वाइट है, तो वाई टू वेयर अनदर कलर, स्पेशली व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल एंड यू नो देयर इज जबरदस्त। अच्छा हामिद साहब, पाकिस्तानी जो सियासतदान है, जरा थोड़ी सी उनकी बात कर लेते हैं। आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि सबसे वेल ड्रेस्ड पॉलिटिशियन जो है हमारे मुल्क में राइट नाउ वो कौन सा है, और वो कौन से पॉलिटिशियन है जिनको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है अपनी वार्डरोब में? देखें, आई वुड से कि जो इमरान खान साहब हैं, ही केम अ लॉन्ग वे व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देन ही वाज यू नो ही सेड आई एम अ वेरी सिंपल गाय, आई एम नॉट गोना इवन वेयर अ वेस्ट कोट, एंड देन इट डॉन्ड ऑन हिम एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, ही रिप्रेजेंटिंग द कंट्री एंड पाकिस्तान इमेज, सो आई वुड से दैट ही केम अ लॉन्ग वे एंड देन ही स्टार्ट ड्रेसिंग। ये जो टोन ऑफ यानी आप बेस्ट ड्रेस इमरान खान साहब को कह रहे हैं, Amit sahab, best dress Imran Khan sahab? I would say that he came a long way, you know, and, Achha, and there are the Bilawal people. Bhutto Zardari ki dressing ke bare mein aapka kya take hai? Bilawal ke kapdon pe bahut comment hota hai. Main nahi kahunga ki acha hai ya bura, lekin aap kyunki image consultant hain, how you see Bilawal? Abhi bachelor bhi hain, potential bachelor, single bhi hain I believe, aur young politician hain. Aap unke bare mein kya kahenge? Padhe likhe bhi hain, mashallah, bahar se padhe hain. आई थिंक ही लुक्स ग्रेट, और सबसे बड़ी बात है कि आई थिंक ही अंडरस्टूड द पावर ऑफ द कलर। तो जो ब्लैक है, आई थिंक वेरी सेल्डम ही वेयर्स डिफरेंट कलर्स, यू नो नाउ ही स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग विद कलर्स, बट आई थिंक ही इज बीन वेयरिंग ब्लैक शलवार कमीज और उसके साथ ब्लैक ही उनका ऑलमोस्ट जैकेट या उनका कोट होता था, और आई थिंक इनवेरिएबली फॉर लास्ट अबाउट 2-3 ईयर्स ही वोर दैट, एंड आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ही अंडरस्टैंड दैट्स अ पावर कलर एंड पॉलिटिक्स ऑल अबाउट पावर, सो आई थिंक ही वाज डूइंग ग्रेट। जरदारी साहब उनके डैड, आपने अटायर बताई अच्छा लगता है उन पे, इस पे वो कम नजर आते हैं। ओके ठीक है, मरियम साहिबा के बारे में आजकल जो है ना, वेरी गुड हामिद साहब, मरियम नवाज साहिबा मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, आप बताइए उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनका स्टाइल वो कैसा लगता है आपको? आई थिंक ऑल्सो शी हैज़ कम ए लॉन्ग वे। अगर पीछे देखें तकरीबन 2-3 साल पहले तो बहुत फ्लावरली और बड़ी प्रिंटी किस्म की लुक होती थी, तो आई थिंक नाउ इट्स अबाउट जैसे वो बेनिस भुट्टो की लुक है, यू नो इफ़ यू लुक एट द हर वार्डरोब इस सॉलिड कलर्स, प्लेन कलर्स, और उसके साथ जैसे हिना रिबानी की लुक है, शी लुक्स ग्रेसफुल, शी लुक्स ग्रेट। तो जितना वो सॉलिड कलर्स में आना शुरू हुई है और उसकी टोन ऑन टोन और सेम कलर, हमेशा बेनज़ीर भुट्टो तो बहुत शार्प कलर्स यूज करती थी, मरियम्स चॉइस इज डिफरेंट देन बेनज़ीर भुट्टो साहब, दे बोथ हैव डिफरेंट चॉइसेस। नहीं, मैं सॉलिड कलर्स की बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बेनज़ीर साहब यूज्ड टू बी रियली शार्प कलर, हिना रबानी के कलर, हिना रबानी यू कैन से दैट शी इज समहाउ। अच्छा दूसरा, ये कौन से पॉलिटिशियंस हैं हु शुड एक्चुअली चेंज इस यू नो, या हर अपनी जो उनकी चॉइस है पहनने की, कौन से ऐसे हैं जिनको तब्दील करनी चाहिए कुछ या ज्यादा थोड़ा सा कुछ से? देखें, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कंसिस्टेंट लुक की बड़ी ज़रूरत है। जब आप कंसिस्टेंट नहीं लगते एज ए पॉलिटिशियन, आपको होता है ट्रस्ट डेफिसिट तो है ना, आई मीन पीपल डोंट बिलीव इन लॉट इन पॉलिटिशियंस। तो जब आप कुछ ऐसे कलर्स पहनते हैं जैसे कोई रेड कलर्स पहन लेते हैं, या इसमें आपके कॉम्बिनेशन जो है बड़े लाउड किस्म के कॉम्बिनेशन पहन लेते हैं, तो आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग योर मैसेज अक्रॉस। आप देखिए नवाज शरीफ साहब ने जो रेड पहनना शुरू किया, उसमें भी आई डोंट नो व्हाई Why she started choosing that? Time is red, तो चलो ठीक है, I think it looks nice and all that. तो ये जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं इन कलर्स की, आई थिंक यू नो इट प्रॉब्ली डजंट वर्क। आई रिमेंबर एक मियां साहब की ग्रेट, आई थिंक उन्होंने एक ट्राउजर पहनी थी रेड, रेड भी थी उनका, येलो उनका मफलर भी काफी वो उस पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज हुआ था, लेकिन ओवरऑल रेड के बारे में और वेस्टकोट में ही नजर आते हैं। हामिद साहब, रेड के बारे में आप क्या कह रहे हैं कि रेड अगर आप पहनते हैं तो ट्रस्ट डेफिसिट का खतरा है? नहीं देखें, रेड टाई में तो ठीक है ना, रेड इज़ लाइक ए पावर कलर, तो पावर में तो ठीक है, लेकिन अगर आप रेड सूट पहन लेते हैं या रेड शर्ट पहन लेते हैं या रेड में आप कोई और इनकॉर्पोरेट करते हैं, फॉर वुमेन वुमेन रेड इज ग्रेट, यू नो हिलरी क्लिंटन थी वो रेड पहनती थी, आज तो आप भी रेड टाई पहने हुए हैं, मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग है, सही हमारे शो का थीम कलर भी है समो मेरुनिश रेड। थैंक यू वेरी मच मिस्टर हामिद, आई होप कि आपकी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बाकी आपके अपने अपने तजुर्बात भी हैं।